हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई पाठशाला। ई पाठशाला की प्लेटफॉर्म पे मैं शिखा आपके सामने लेकर आऊंगी आज सीडीपी के एमसीक्यूज, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपका, और सिर्फ 15 क्वेश्चंस मैं आपके सामने आज लेकर आ रही हूँ। यहाँ पर आपको, हम सबको पता है कि सीटेट का एग्जाम होने वाला है, और सीटेट का एग्ज़ाम के एप्लीकेशन आज से 20 तारीख से शुरू हो गए हैं। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप ज़रूर एप्लीकेशन कर दें। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर, ई पाठशाला पर, आपको सीटेट की क्लासेस फ्री में यूट्यूब पर मिल जाएंगी। सीटेट में आपका 5 आपके सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें आपका सीडीपी होता है, हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश और संस्कृत में चॉइस होती है, मैथ्स एंड ईवीएस। तो आपको यहाँ पर सीडीपी का हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस के नोट्स प्रॉपरली आपको मिल जाएंगे। तो आप अगर सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें, जिससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और बहुत सारे वीडियोस आपको पढ़ने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि दिसंबर 2019 का है और सब्जेक्ट है आपका बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर 1 का, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। तो इसका आंसर होगा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। यानी कि छात्र केंद्रित शिक्षा क्या होती है, हम सभी जानते हैं कि छात्र केंद्रित शिक्षा वह होती है जिसमें बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, बच्चे के अकॉर्डिंग सारा सिस्टम होता है। स्कूल्स में, विद्यालयों में बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो बच्चों के अनुकूल दी जाती है, और वो किस मेथड से सीखना चाहते हैं, वो किस किस प्रकार से सीखते हैं, कितनी मात्रा में सीखते हैं, उनके आसपास का वातावरण कैसा हो, उनको किस शिक्षा प्रणाली से पढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें हम छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र में ध्यान रखते हैं। तो यही विशेषता है कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। तो बच्चों के अनुभवों को जो प्रमुखता दी जाएगी, तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बच्चों के अनुभवों, उनके विचार और उनके सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देता है। यानी कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, बच्चे सक्रिय हैं या नहीं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ों को प्राथमिकता देना बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषताएं हैं। अब बाल केंद्रित शिक्षा होती क्या है, तो सीखने की प्रक्रिया की पारंपरिक शिक्षक केंद्रित समझ को उलट देना और छात्रों को सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में रखना। यानी कि पहले की जो शिक्षा थी वो शिक्षक केंद्रित थी, टीचर सेंटर थी, कि टीचर जैसा चाहता था वो वैसा पढ़ाता था, बच्चों के लेवल को ध्यान में नहीं रखा जाता था, बच्चे कैसे सीख रहे हैं ये सारी चीज़ें ध्यान में नहीं रखी जाती थी। लेकिन अब इस वर्तमान समय की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बाल केंद्रित है, यानी कि बालकों को, बच्चों को ध्यान में रखकर शिक्षा का पूरा विषय जो है वो विषय उनके अकॉर्डिंग निश्चित किए जाते हैं, क्या पढ़ाना है, क्या चीज़ें छोड़नी है, उनका स्तर क्या है, उनकी आयु क्या है, वो किस मेथड से समझेंगे, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर जब शिक्षा दी जाती है तो इसे ही बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं, तो सन्निहित हैं या संबंधित नहीं है, पूर्णतया अलग है या फिर स्वतंत्र हैं। तो संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से या एक दूसरे में सन्निहित है, यानी कि अगर संवेग है तो संवेग जो है वो संज्ञान को प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि संवेग व संज्ञान होता क्या है। तो संवेग वह होता है जो व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करे या गति प्रदान करे, उसे ही हम संवेग कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है या कोई छोटा बच्चा है, उसको कभी भूख लग जाती है, कभी उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, कभी वो बहुत खुश होता है, कभी बहुत दुखी होता है, तो ये सारी चीज़ें उसके ज्ञान को, उसकी समझ को प्रभावित करती हैं। यानी कि मान लीजिए बच्चा क्लासरूम में बैठा है और उसको टीचर से डर लग रहा है, उसको कुछ पूछने में डर फील हो रहा है, तो वो टीचर से नहीं पूछेगा, यानी कि उसको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी क्योंकि वो डर की वजह से पूछ ही नहीं रहा। तो संज्ञान और संवेग एक दूसरे में सन्निहित हैं, तो एक दूसरे से बहुत अधिक संबंधित हैं। तो अगर संवेग जो है वो संज्ञान को बहुत अधिक प्रभावित करता है, और संज्ञान क्या होता है, संवेदनी सूचनाओं को
संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसका समुचित उपयोग करने को ही संज्ञान या समझ कहते हैं। यानी कि जो भी चीजें हम अपने एनवायरनमेंट से अडॉप्ट करते हैं, जो भी चीजें हम आसपास की चीजों से सीखते हैं, संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, उसे ही हम संज्ञान कहते हैं या समझ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यंत्रवत याद करने पर आधारित है या फिर प्रबलन पर केंद्रित है। तो संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अवबोधन मतलब होता है बच्चे की समझ। तो संरचनावादी ढांचा क्या होता है कि बच्चा जिसमें खुद कंस्ट्रक्ट करे अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को। यानी कि अगर आप बच्चे को कुछ बता देते हैं तो वो डायरेक्टली बच्चा उस चीज पे विश्वास नहीं करता, वो पहले अपनी चीजों, अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करता है, फिर वो किसी निर्णय पर पहुंचता है और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यानी कि बच्चे की समझ पर केंद्रित है। यंत्रवत याद करना, ये ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकते जो बच्चे को रटंत विद्या पर जोर दें या फिर कोई नेगेटिव पॉइंट हो, ये सारे पॉइंट जो है कभी सही नहीं होते हैं। तो इसलिए ये आपका यंत्रवत याद करना बिल्कुल नहीं है। प्रबलन पर केंद्रित है, यानी कि पुनर्बलन जिसको कहते हैं, तो प्रबलन पर भी केंद्रित नहीं है। अनुबंध द्वारा अर्जित है, ये भी सही आंसर नहीं है। तो संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। संरचनावादी ढांचे में बालक ज्ञान का निर्माण अपनी समझ से स्वयं करता है, यानी कि बच्चे अपने आसपास के वातावरण से जो भी नॉलेज ले रहे हैं वो स्वयं देख कर परख कर प्राप्त करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं, और इसीलिए उनके अवबोधन की प्रक्रिया जो है वो संरचनावादी ढांचे में प्राथमिक रूप से अधिगम वो इसी प्रकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि बहुत सारी घटनाएं के बारे में बच्चे जो हैं वो उन्होंने अपने स्वयं के सिद्धांत बना लिए हैं, तो एक शिक्षिका है, एक टीचर है, उसको क्या करना चाहिए उनके ये सहजानुभूत सिद्धांतों को बदलने के लिए। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए या फिर बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया हमें कभी भी कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं सेलेक्ट करना है। तो बार बार याद करना, रटाने पर बिल्कुल जोर नहीं देना है, हमेशा एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को कराना है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा, किसी भी चीज़ को अनदेखा नहीं करना है, बच्चों को दंडित करना ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। यानी कि बच्चों ने जिन घटनाओं के बारे में जो सिद्धांत अपने बना रखे हैं उन सिद्धांतों के विपरीत हमें उनके सामने प्रमाण प्रस्तुत करना है कि बच्चों आपने जो सोचा है वो सही नहीं है, ये चीज़ इस तरह से नहीं जो मैं आपको बता रही हूँ प्रमाण देके वो सही है, और उनके समक्ष विभिन्न विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करने हैं, एग्जांपल्स देने हैं आसपास की चीज़ों से रिलेट करके, जिससे कि उनके सहजानुभूत सिद्धांत जो है वो आपके सिद्धांत से बदल जाएंगे। तो इस तरह से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, या बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों की बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। तो बच्चों को अगर हम पुरस्कार व दंड का लालच देंगे, बोलेंगे आप अच्छा करोगे तो पुरस्कार मिलेगा, बुरा करोगे तो दंड मिलेगा, तो इस चीज़ों से बच्चों में सिर्फ कॉम्पिटिशन बढ़ता है और दंड को लेकर डर बढ़ता है। तो बच्चों को प्रदर्शन के लिए, उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए हमें पुरस्कार या दंड का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो पुरस्कार के लिए आपस में कंपटीशन करते हैं तो उनके कार्य में निपुणता नहीं आएगी। वो जो भी कार्य करेंगे सिर्फ जीतने के लिए करेंगे, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए करेंगे, तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल नहीं होगा। बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, ये भी सही आंसर नहीं है। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, बिल्कुल नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, यानी कि पुरस्कार व दंड का प्रयोग करने से जो उनकी स्वाभाविक अभिरुचि है वो कम होती है और उनकी जिज्ञासा कम होती है। वो सिर्फ जीतने के लिए या दंड से बचने के लिए ही सही सही कार्य करते हैं, ना कि उसको सीखने के लिए अच्छे से, ना उसमें निपुणता प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अभी एक और क्वेश्चन संरचनावादी सिद्धांतों से आया था, तो इसका मतलब ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अधिगम सक्रिय विनियोजन द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, या अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। तो मैंने अभी बताया था कि कहीं भी रटने को हमें बढ़ावा नहीं देना है, तो ये आंसर डी गलत हो जाएगा। पुनरुत्पादन और स्मरण, जहाँ पर याद करने की बात आएगी वो भी सही नहीं होगा। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, तो यहाँ पर सब संरचनावादी होता क्या है कि जहाँ पर बच्चे खुद अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो अधिगम सक्रिय विनियोजन द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, यानी कि कब अधिगम सफल होगा बच्चों का, जब उनकी ज्ञान की प्रक्रिया जो है जो बच्चे अधिगम करते हैं वो सक्रिय विनियोजन द्वारा उनकी ज्ञान की संरचना जो है खुद बच्चे स्वयं करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, वही अधिगम के बारे में संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार सही आंसर है। जैसे कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम सक्रिय विनियोजन द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं और वे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ऐसा पियाजे ने भी कहा है। और इस सिद्धांत में ज्ञान की संरचना करने को ही मेनली महत्व दिया जाता है, संरचना में ही रचना आ रहा है, यानी कि बच्चे ज्ञान की रचना स्वयं करेंगे। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। यह अवधारणात्मक समझ की बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, या फिर यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर होगा अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, यानी कि बच्चों के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको चेंज करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये एक बहुत उस पर सुधार देना बहुत ज़्यादा अच्छा और इम्पॉर्टेंट तरीका होता है। तो अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। नेक्स्ट है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार में प्रोत्साहित कर सकती है। यानी कि प्राथमिक विद्यालय में जो अध्यापिका है वो बच्चे को एक बहुत अच्छा समस्या समाधानकर्ता बनाना चाहती है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना चाहती है, तो वो किस प्रकार बच्चे को प्रोत्साहित करे। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, या फिर केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर। अब देखिए, एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान करने वाली है कि बच्चों को कभी उनको दंडित नहीं करना है, ना तो उनको पुरस्कार देना है। तो सी और ए ऑप्शन गलत हो गया, और केवल जिस ऑप्शन में केवल हो वो तो हमें बिल्कुल भी सही नहीं लगाना है। तो एक तो आपका बचता है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, यानी कि कोई भी समस्या अगर हमारे सामने आती है तो हम क्या करते हैं कि उस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं ध्यान से, उसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं उस बारे में सोचते हैं और विचार मंथन करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, जिससे हमें एक सही समस्या का समाधान मिल जाता है। तो एक प्राथमिक विद्यालय में अगर अध्यापिका बच्चों को एक अच्छा समस्या समाधानकर्ता बनाना चाहती है तो उसके सामने डिफरेंट कंडीशन रख सकती है और फिर बच्चों से अनुमान लगाने को कहे, अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करे, और फिर उसी सॉल्यूशंस के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग जब बच्चे करेंगे तब जो बच्चे हैं वो अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर होगा
सतत एवं समग्र मूल्यांकन और सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। हमें कभी भी बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना है क्योंकि अधिगम इस प्रकार से नहीं होता। और निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन अगर बच्चों का हम करते हैं तो उनका मॉरल डाउन होता है, उनको निरुत्साहित हो जाते हैं, उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता। तो इस वजह से सही आंसर होगा सेकेंड और थर्ड। तो डी वाले में है सेकेंड और थर्ड दोनों। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण यानी कि उनका जो आसपास का पर्यावरण हो वो उनके लिए सहयोगी हो, हेल्पफुल हो। और सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये दोनों चीजें बच्चों के सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती। नेक्स्ट है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, एक व्याख्यान दे करके, या फिर प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। तो बार बार यांत्रिक अभ्यास करना या अभ्यास करना, ये यांत्रिक अभ्यास करना, ये सॉल्यूशन नहीं है कि उनकी अवधारणाओं को, उनकी कठिन अवधारणाओं को सरल किया जा सके। एक व्याख्यान देना, छोटे बच्चों को व्याख्यान देने से कोई मतलब नहीं है, तो ये भी सही आंसर नहीं है। और प्रतियोगात्मक अवसर तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बच्चों के अंदर कॉम्पिटिशन की भावना बिल्कुल जागृत नहीं करनी। तो इसका सही आंसर होगा अन्वेषण यानी कि खोज और परिचर्चा, डिस्कशन के द्वारा जो है बच्चों की जटिल अवधारणाओं को सरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्राथमिक कारण क्या है। व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस का मेन कारण, प्राइमरी रीजन क्या है। पर्यावरणीय प्रभाव, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, या फिर लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत पद्धति, या फिर जन्मजात विशेषताएं। तो इसका सही आंसर होगा अनुवांशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, यानी कि बच्चों को जो गुण माता पिता से प्राप्त होते हैं अनुवांशिकता, और उनके पर्यावरण से वो जो चीजें अडॉप्ट करते हैं वही उनकी वैयक्तिक भिन्नता का प्राइमरी रीजन बनती है, प्राथमिक कारण बनती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस, परिवार एवं पास पड़ोस, या फिर परिवार एवं मीडिया। तो परिवार जो है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन की एजेंसी होती है, तो ये नहीं होगा बिल्कुल भी सी ऑप्शन। परिवार डी में भी है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये प्राइमरी है। अब विद्यालय एवं मीडिया या फिर मीडिया एवं पास पड़ोस, तो सबसे पहले बच्चा परिवार के बाद विद्यालय जाना शुरू करता है, तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी जो होगी वो विद्यालय एवं मीडिया होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विद्यालय एवं मीडिया। तो बच्चों का जो समाजीकरण होता है उसकी प्राइमरी संस्थाओं में उनके परिवार, पास पड़ोस, मित्र मंडली, ये सारी चीजें आती हैं, और उनके द्वितीयक संस्थाओं में विद्यालय, मीडिया, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक संगठन होते हैं, ये सारे उनके सेकेंडरी सोशलाइजेशन के एजेंसी होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है, यानी कि कौन सी अवधि में सबसे तेजी से शारीरिक वृद्धि और विकास होता है। मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में, किशोरावस्था एवं वयस्कता में, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था में। तो इसका सही आंसर होगा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसका शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, उसके हाथ पैरों में, उसकी हड्डियों में, उसके भाषाई विकास में, मानसिक विकास में, हर तरह का विकास उसका शैशवावस्था में सबसे अधिक होता है, और उसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। विकास जीवन पर्यंत होता है, या फिर विकास परिवर्त है। तो इसका सही आंसर है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता। तो विकास को सांस्कृतिक संदर्भ बिल्कुल प्रभावित करता है, तो ये नहीं वर्ड लगा हुआ है, तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए, विकास जो है उसके बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, जैसे निरंतर विकास का सिद्धांत कि विकास जो है वो कभी रुकना नहीं है, वो परमानेंट विकास जो है वो होता रहता है। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत यानी कि विभिन्न विभिन्न गतियों से होता है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है। विकास की दिशा होती है केंद्र से बाह्य की ओर और केंद्र से बाह्य की ओर। और एकीकरण का सिद्धांत यानी कि
एकीकरण के सिद्धांत में बच्चे उंगलियां चलाना सीखते हैं, फिर पूरी रिस्ट को, फिर कोहनी को, फिर पूरे हाथ को। तो इस तरह एकीकरण का सिद्धांत इसे कहेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, यानी कि बच्चों में भिन्नताएं होती हैं। किसी की सबकी रुचियां एक जैसी नहीं होती, आदतें एक जैसी नहीं होती, सीखने का तरीका एक जैसा नहीं होता। समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि चाहे कोई भी जीव हो, वो एक समान प्रतिमान में ही उसका विकास होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामान्य और विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? यानी कि एक डिस्कशन चल रहा है जिसमें टीचर जो है वो लड़कियों की तुलना में लड़कों को ज्यादा मानता है या लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो किस चीज का उदाहरण है? जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता, जेंडर पक्षपात या फिर जेंडर पहचान। तो इसका सही आंसर होगा जेंडर पक्षपात, यानी कि लड़कों और लड़कियों में पक्षपात करना, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो जेंडर पक्षपात यानी लैंगिक असमानता क्या होता है कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव होता है और परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है। वे घर और समाज दोनों जगह पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है, यानी कि महिलाओं को बहुत कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है, उनको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जितनी पुरुषों को मिलती है, लड़कों को मिलती है। तो इसी को जेंडर पक्षपात कहा जाता है। तो आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपके सीटेट के लिए, सीटेट की प्रिपरेशन के लिए। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। और CDP के अलावा हमारे चैनल पर आपको हिंदी, इंग्लिश और EVS की प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर। थैंक यू।